नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों इस समय मैं बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की आधिकारिक वेबसाइट पे हूं और बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो सीटेट का एग्जाम दिए थे। ठीक है, तो सबसे पहले बिहार से ही खबर है तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्या कुछ अपडेट आई है और क्या बड़ी खबर सामने निकल के आई है बिहार से। ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों सभी अभ्यर्थियों के लिए, जितने भी बीएड के अभ्यर्थी हैं और जितने भी सीटेट के अभ्यर्थी हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अंत तक देखना और कितने कॉमन अंक दिए जाएंगे और कहां की परीक्षा को दोस्तों यहां पर पोस्टपोन किया जाएगा, ठीक है, रद्द किया जाएगा, तो हर एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। उससे पहले एक विशेष सूचना, अगर आप लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार सीईटी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस पुस्तक में आपको 2100 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, 600 पेपर मिल जाएंगे, जनरल इंग्लिश, हिंदी, सामान्य ज्ञान, तार्किक विश्लेषणात्मक, तार्किक क्षमता के सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। पूरी पुस्तक आपकी नवीनतम पाठ्यक्रम पर बनाई गई है। देख सकते हैं सिलेबस को कितने आसान भाषा में डिस्क्राइब किया गया है और पूरी पूरी परीक्षा के पैटर्न पर बनाई गई है। इसको ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से खरीद सकते हैं। अगर ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं, नजदीकी कॉपी किताब की दुकान से खरीद सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की और बहुत सारी बुकें आती है इंडिविजुअली, इसको भी खरीद करके, हिंदी की, यूपी टेट की, सुपर टेट की, ठीक है, बिहार बीपीएससी की, इसको भी खरीद करके आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बिहार में बीएड का दोस्तों आवेदन होने वाला है और जल्द ही इसकी प्रक्रिया को चालू कर दिया जाएगा और बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में दोस्तों यहां पर एक पैनिकपन आ गया था कि सर बिहार एंट्रेंस का जो है फॉर्म फिलअप करें कि ना करें, क्योंकि बिहार में लगातार आए दिन घटनाएं सामने निकल के आती है कि पेपर लीक जैसी घटनाएं। अभी हाल में देखा थी कि सीटेट का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद तमाम अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर बिहार बीएड एंट्रेंस का हम एग्जाम दें या फिर ना दें। तो बच्चों देखिए, अब जितनी भी भर्तियां आएंगी वो बीएड के तहत ही आएंगी, क्योंकि दोस्तों कई सारे स्टेट्स में दोस्तों यहां पर प्रमोशन पर रोक लग गई है। ठीक है, क्योंकि क्वालिफिकेशन उनका 5 तक ही रहता है, ठीक है, क्योंकि डीएलएड के हैं और आगे प्रमोशन नहीं होगा। ठीक है, तो सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि बिहार बीएड का जो है एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म जरूर फिलअप करें। और दूसरी बात, यहां पर एक चीज बताना चाहता हूं, जो सीटेट को लेकर बिहार से खबर आई थी, सीटेट के उन केंद्रों की परीक्षा को रद्द करने की सीबीएसई विचार कर रहा है, इस पर जल्द ही आपको ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर दीजिएगा जैसे ही फॉर्म अप्लाई होगा, क्योंकि प्रमोशन की प्रक्रिया को दोस्तों कई राज्यों में रोका गया है। ठीक है, तो जैसे ही बीएड एंट्रेंस एग्जाम का आप लोगों का आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, तुरंत ही हम आपको चैनल के माध्यम सूचित कर देंगे। चैनल